नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पांडे हूं और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। जबलपुर में पीएम मोदी के रोड शो के दौरान मंच टूटने से हुआ एक हादसा। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में जुटी हैं। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जबलपुर में रोड शो किया। इस दौरान गोरखपुर क्षेत्र में बनाए गए दो मंच टूट गए, जिससे मंच पर मौजूद लोग नीचे गिर पड़े। इस हादसे में 7 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में एक बच्ची, एक पुलिसकर्मी सहित 4 लोगों को फ्रैक्चर आया है, जबकि 3 महिलाओं को मामूली चोट आई है। दरअसल पीएम मोदी की झलक पाने के लिए क्षमता से ज़्यादा लोग मंच पर चढ़ गए थे। हालांकि पुलिस उन्हें समझाने में लगी थी, लेकिन लोग ज़बरदस्ती मंच पर चढ़ते रहे और उसके बाद यह हादसा हो गया। सभी घायलों का इलाज विक्टोरिया अस्पताल में कराया जा रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान कटंगा चौराहे पर मंच लगा था। मंच गिरने के बाद कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं का मंच गिर गया। मंच पर क्षमता से अधिक लोग चढ़ गए थे, जिस वजह से मंच टूटकर गिर गया। मंच गिरने से रोड शो के दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया था। घायलों की हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, उसी दौरान यह हादसा हो गया। नरेंद्र मोदी को देखने और उनका स्वागत करने के लिए रोड के किनारे स्वागत मंच लगाए गए थे। एक मंच कटंगा गोरखपुर में भी लगाया गया था। इस मंच पर क्षमता से अधिक कार्यकर्ता खड़े हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। तो यह थी आज की खबरों की खबर। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर। नमस्कार।